हम जानेंगे आपके मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अलंकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले करेंगे देखिए हम अनुप्रास अलंकार की। तो देखिए, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, इसका मतलब है कि कोई वर्ण बार बार आए, तो जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार का सीधा मतलब है कि जब वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। ठीक, बात करें उदाहरण की तो इसका सीधा सा सिंपल सा उदाहरण है, तरनी तनुजा तटतमान तरुवर बहु छाए। बहुत ही सिंपल सा इसका उदाहरण है, ये आपको करना है। उदाहरण अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम में एक नंबर जो है वो काट दिया जाएगा। बात करें यमक अलंकार की तो देखिए, यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, यानी कि दो। तो जब यहां पर एक शब्द या शब्द समूह, कोई अकेला एक शब्द हो या कोई शब्द समूह हो जो है एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग ही हो, तो वहां पे आपका यमक अलंकार होता है। सीधी बात है, जहां एक शब्द या शब्द समूह एक या एक से अधिक बार आता है पर उसका अर्थ हर बार क्या होता है, अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। बात करें इसके उदाहरण की तो बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बौराय नर, बा पाए बौराय। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। बात करें हम आपके श्रेष्ठ अलंकार की तो देखिए, श्रेष्ठ अलंकार का क्या है कि जहां कोई एक शब्द एक बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे श्रेष्ठ अलंकार होता है। जब कोई एक शब्द जो है सिर्फ एक बार आता है, जब कोई शब्द एक बार आता है पर उसके अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं, तो वहां पर क्या है आपका, श्रेष्ठ अलंकार होता है। बात करें इसके उदाहरण की तो बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना ओवरे ओवरे मोती मानस चून। ठीक, तो ये है आपका इसका उदाहरण। अब बात करेंगे हम नंबर चार उपमा अलंकार की। तो देखिए, जब किन्हीं दो वस्तुओं की किसी समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो देखिए, जब कोई दो वस्तुएं हैं और उनकी किसी भी समान गुणधर्म के आधार पर, उनमें कोई समानता है, उनका कोई समान गुण है, उसके आधार पर जब उनमें तुलना की जाती है तो वहां पर क्या है, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो दो वस्तुओं की जब समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। बात करें उदाहरण की तो आप लिख सकते हैं हरिपद कोमल कमल। तो बहुत ही सिंपल सा आपका उदाहरण है और इन्हें आप कर सकते हैं। बात करेंगे नंबर पांच की तो वो है आपका रूपक अलंकार। तो देखिए, जहां पर उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। इसका मतलब यह है कि जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए और उन लोग किसी भी तरह का कोई भी भेद ना किया जाए, बिल्कुल एक दूसरी वस्तु, एक वस्तु को दूसरे के समान बता दिया जाए, तो वहां पर आपका क्या है, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। इसे आप हिंदी में समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई ये कह दे कि मुख ऐसा है, मुख चंद्रमा जैसा है, तुम्हारा मुख तो ऐसा है चंद्रमा जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रमा और मुख के बीच में अगर कोई समानता ना की जाए, मतलब कोई तुलना की जा रही है और कोई भेद ना किया जाए कि कोई अंतर ना किया जाए, डायरेक्ट बोल दिया जाए कि तुम्हारा चेहरा चंद्रमा जैसा है, तो कोई भेद नहीं है, तुम्हारा चेहरा चंद्रमा, इस तरीके से। ठीक है, तो जब दो चीजों में किसी भी तरीके का कोई भेद ना किया जाए तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। बात करें उदाहरण की तो इसका उदाहरण है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, दिस्ते संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रम। तो ये है आपका इसका उदाहरण। बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार की तो यहाँ पे क्या है, देखिए कि यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी कि हो सकता है तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान हो, तो यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बात करें उदाहरण की तो इसका उदाहरण है सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावानल की ज्वाल। तो ये आपका इसका उदाहरण है, बहुत ही सिंपल है। बात करें भ्रांतिमान अलंकार की तो देखिए, जहां समानता के कारण दो वस्तुओं में भ्रम हो जाता है, कि दो वस्तुएं ऐसा होता है कि आपको भ्रम हो जाए दो वस्तुओं के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं भ्रांतिमान अलंकार। तो जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहां पर आपका
क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है कि एक वस्तु जो है आपने उसे किसी दूसरी वस्तु के समान समझ लिया, तो किसी गुण के आधार पर जब आपने किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान समझ लिया है तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान का मतलब सीधा है कि जहां आपका भ्रम हो वहां भ्रांतिमान अलंकार है। तो दो वस्तुओं की पहचान में अगर भ्रम हो जाए तो वो भ्रांतिमान अलंकार है। बात करें उदाहरण की, उसका उदाहरण है पाई महावर देन को नाइन बैठी जाए, फिर जानी महावीर महाबली एड़ी भीड़त जाए। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। देखिए